हाय गाइस, नमस्ते किमचे और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ब्यूटी हैक्स। तो आज जो ब्यूटी हैक्स शेयर करने वाली हूँ वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट यूज़ करके मैंने सारे ब्यूटी हैक्स आपके लिए क्रिएट किए हैं और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ये सारे ब्यूटी हैक्स में मैंने एक ही प्रोडक्ट यूज़ की है और वो है वाओ लाइफ साइंस का ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर। गाइस, ये विनेगर है ना वो प्योर है, ऑर्गेनिक है और विथ मदर ऑफ विनेगर भी कहा जाता है इसे। हम इसे किचन में भी यूज़ करते हैं और साथ में हम इसे सुबह में ड्रिंक की तरह भी यूज़ करते हैं और साथ में ब्यूटी के भी बहुत ही अच्छे अच्छे इसके बेनिफिट हैं। तो गाइस, अगर आपको पता नहीं है कि ये कितना हेल्पफुल है ब्यूटी के लिए तो ये वीडियो आप पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो में मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो पूरा देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कर देना। और हाँ गाइज, मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ही जल्दी गिव अवे रखने वाली हूँ, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। यूज़र नेम मैंने स्क्रीन पे मेंशन किया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, अगर आप बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप वेट कम करना चाहते हैं, आपका स्टमक का पार्ट ज़्यादा है उसे कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये वाला हैक ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो उसके लिए गाइज, आपको एक ग्लास भर के गुनगुना पानी लेना है, यानी कि लुकवम वाटर लेना है, और उसके अंदर आपको 3 से 4 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर के ऐड करने हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे पी जाना है। ये प्रोसेस आपको खाली पेट करनी है। जब आप सुबह में उठते हो तो उठने के साथ ही आप एक ग्लास भर के एप्पल साइडर विनेगर वाला पानी पी लीजिए। उससे आपकी बॉडी बहुत ही फिट रहेगी। अगर आपको फैट है तो वो भी धीरे धीरे चला जाएगा और आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी और आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। तो ये वाली प्रोसेस सुबह उठ के ज़रूर फॉलो करें। तो गाइज, आप में से बहुत लोगों को पिंपल की प्रॉब्लम होती होगी, स्पेशली जो टीनेजर्स होते हैं ना उसको पिंपल की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। गाइज, अगर आपको पिंपल की प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए या फिर पिंपल निकल जाने के बाद उसका जो दाग भी रह जाता है तो उससे अगर आपको छुटकारा चाहिए तो आज मैं आपके साथ जो हैक शेयर करने वाली हूँ वो ज़रूर फॉलो करना। उसके लिए आपको आधी चम्मच खाने वाला जो सोडा होता है, बेकिंग सोडा, वो लेना है और उसके अंदर आपको 1 चम्मच भर के एप्पल साइडर विनेगर ऐड करना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ईयरबड की हेल्प से जहाँ पे भी आपको पिंपल की प्रॉब्लम है वहाँ पे आप इसे इस तरह से अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई हो जाने के बाद इसे ओवरनाइट रखना है। उसके बाद सुबह उठ के आप ठंडे पानी की हेल्प से फेस को वॉश कर दीजिए। ये प्रोसेस आपको 15 दिन तक करनी है। उसके बाद आप देखोगे कि आपके पिंपल भी धीरे धीरे चले जाएंगे और आपके जो पिंपल के बाद दाग छूट गए हैं वो भी धीरे धीरे से दूर हो जाएंगे। दोस्तों, हम में से बहुत लोगों के जो नेल्स होते हैं ना वो येलो से हो जाते हैं। मेरे भी कुछ इस तरह से ही है, येलो से ही हो चुके हैं। क्यों ऐसे होता है? उसका जो रीज़न है कि जब हम नेल पेंट अप्लाई करते हैं ना उसके बाद हम वो निकाल के दूसरी अप्लाई कर लेते हैं, वो निकाल के दूसरी तीसरी अप्लाई कर देते हैं, ऐसा हम करते हैं। इसके कारण हमारा जो नेल्स है ना उसे सांस लेने का टाइम नहीं मिलता, ऐसा होता है। उसके कारण हमारे जो नेल्स है ना वो येलो से हो जाते हैं और उसका भी सोल्यूशन हमारे पास है। तो अगर आप इससे छुटकारा चाहते हो तो ये वाला हैक ज़रूर फॉलो करें। तो आपकी नेल्स भी इस तरह से येलो है तो आपको करना है ये वाली प्रोसेस। आपको एप्पल साइडर विनेगर लेना है कॉटन बॉल में और उसको आप नेल पे इस तरह से अप्लाई कर लीजिए। सारे नेल्स पे अप्लाई कीजिए, ये भी 15 दिन तक कीजिए और आप देखोगे कि आपके जो नेल्स है वो भी नॉर्मल होते दिखेंगे। लेकिन हाँ, ध्यान रखें कि 15 दिन तक आपको नेल पेंट अप्लाई नहीं करनी है। इसे भी आप ओवरनाइट रख सकते हैं या फिर आप इसे 1 घंटे के लिए रख सकते हैं। उसके बाद आप इसे ठंडे पानी की हेल्प से वॉश कर दीजिए। दोस्तों, मार्केट में तो बहुत सारे टोनर ऐसे मिलते हैं जो कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ में बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल होता है, वो हमारे स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अगर आप बाहर मार्केट वाला टोनर घर पे बनाना चाहते हो तो आप ACV यानी कि एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ करके बना सकते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं और उसके बेनिफिट भी हम देख लेते हैं। उसके लिए मैंने आधा कप नॉर्मल वाटर लिया है और उसके अंदर मैंने ऐड किया है 5 चम्मच जितना एप्पल साइडर विनेगर। ये ऐड हो जाने के बाद आपका टोनर रेडी हो चुका है। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर अप्लाई करें। जब भी आप इसे अप्लाई करने वाले हो उससे पहले मिक्स करना बिल्कुल भी ना भूले और इसे स्टोर करने के लिए आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। आप इसे 1 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं।
ये अप्लाई हो जाने के बाद आप इसे सूखने दीजिए और उसके बाद आप आपका फेवरेट वाला मॉइस्चराइजर क्रीम अप्लाई कर दीजिए। आप इसे डे और नाइट में अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, जब हम वैक्स कराते हैं पैरों में, तो वैक्स कराने के बाद हमारे जो पैर होते हैं ना, वो थोड़े दिन के बाद स्ट्रॉबेरी जैसे हो जाता है। आपने देखा होगा, उसे स्ट्रॉबेरी लेग्स भी बोला जाता है। तो गाइस, अगर आपके साथ भी ये वाली प्रॉब्लम हो रही है, तो ये वाला जो हैक है ना, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम का है, तो जरूर देखें। उसके लिए आपको एक कॉटन में एप्पल साइडर विनेगर लेना है और आपको इस तरह से आपके वैक्स वाले पैरों में अप्लाई करना है। यानी कि आपने जब वैक्स किया हो, वैक्स करने के दूसरे दिन आपको ये वाली प्रोसेस फॉलो करनी है। इसे दोनों पैर में अच्छे से अप्लाई कर दीजिए। आप जैसे ही इसे अप्लाई करेंगे, आपके पैरों के जितने भी पोर्स होंगे वो खुल जाएंगे। ये अप्लाई हो जाने के बाद आप इसे सूखने दीजिए। सूख जाने के बाद आपको कोई भी फेवरेट वाला स्क्रब ले लीजिए और इसे आप अप्लाई कीजिए, जिससे आपके पैरों की जितनी भी डेड स्किन है वो निकल जाएंगी। तो आपको 5 मिनट तक इस तरह से स्क्रब करना है। स्क्रब हो जाने के बाद आप इसे ठंडे पानी से वॉश कर दीजिए, उसके बाद आप मॉइस्चराइजर अप्लाई कर दीजिए। ये वाली प्रोसेस आपको डेली करनी है 1 वीक तक। तो ये प्रोसेस फॉलो करने से आपको स्ट्रॉबेरी लेग्स की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को डेड स्किन की भी प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो डेड स्किन होती है ना, इस तरह से बम्प जैसा हो जाता है। ये फोटो में आप देख सकते हैं, इसी तरह का हो जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसका ऑपरेशन करवा देते हैं, और कुछ लोग तो इसे ब्लेड से निकाल देते हैं। वो बहुत ही पेनफुल होता है। गाइज, आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको इस तरीके की डेड स्किन की प्रॉब्लम है ना, तो ये वाला हैक आप ज़रूर ट्राई करें। तो जहाँ पे भी आपको इस तरह की डेड स्किन बम की प्रॉब्लम है, उस पे आपको एक कॉटन के अंदर ACV लेना है और इसे आपको इस तरह से अप्लाई करना है। इसे ऐसे ओवरनाइट रख दीजिए। इसके ऊपर आप एक टेप भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सुबह उठ के इसे निकाल दीजिए। यही प्रोसेस आप 1 वीक तक कीजिए। आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये जो डेड स्किन वाला बम्प है, वो भी धीरे धीरे से निकल जाएगा। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब शूज पहनते हैं या फिर सॉक्स पहनते हैं, उसे निकालने के बाद हमारे पैरों से गंदी वाली बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो बदबू इतनी गंदी आती है कि पूरा घर वैसा ही स्मेल करने लग जाता है। तो ये वाली प्रॉब्लम आपके डैड को भी हो सकती है, आपके भाई को भी हो सकती है। तो गाइज, अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ये वाला हैक आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसके लिए आपको एक टब में गुनगुना पानी लेना है, यानी कि लुकवर्म वाटर लेना है, और एक कप भर के आप इसमें ACV यानी कि एप्पल साइडर विनेगर ऐड कर लीजिए और आपके पैरों को 10 मिनट तक इसमें डुबा के रखें। तो जब भी आप शूज़ या फिर सॉक्स पहनने वाले हो, तो ये वाली प्रोसेस आप डेली कीजिए, जिससे आपकी पैरों की गंदी स्मेल निकल जाएगी। गाइज, अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, या फिर टैनिंग की प्रॉब्लम है, या फिर ये माउथ के पास आपको पिगमेंटेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो क्या होता है कि ये माउथ वाला जो पार्ट होता है, वो हमारी स्किन से ज़्यादा ब्लैक दिखता है। तो अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम है, तो आपके लिए मैं बहुत ही अच्छा अमेजिंग वाला एक फेस पैक शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए आपको 1 चम्मच बेसन लेना है। उसके अंदर आपको एक चुटकी हल्दी ऐड करनी है। उसके अंदर आपको 4 चम्मच रोज़ वाटर के ऐड करने हैं, और आपको इसमें 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर ऐड करना है। इसे मिक्स कर लीजिए और फेस पे अप्लाई कर लीजिए। गाइज, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इफ़ेक्टिव फेस पैक है। ये अप्लाई करने से आपकी डेड स्किन भी रिमूव हो जाएगी, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी चली जाएगी, और आपकी जो स्किन है वो पहले से ज़्यादा आपको ब्राइट लगेगी। तो ये फेस पैक आप वीक में 3 बार अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्लाई हो जाने के बाद इसे सूखने दीजिए। सूख जाने के बाद आप इसे ठंडे पानी से वॉश कर दीजिए। आपकी स्किन आपको पहले से ज़्यादा बेहतर लगेगी। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको भी वाओ लाइफ साइंस का एप्पल साइडर विनेगर खरीदना है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, ज़रूर चेक कर लेना। बहुत ही अच्छा है, उसके बहुत ही अच्छे अच्छे फ़ायदे हैं। तो ज़रूर चेक करना और ज़रूर एक बार ट्राई करना, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। और हाँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मैं इंस्टाग्राम पे गिव अवे रखने वाली हूँ, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन की है और यूज़र नेम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप देख सकते हैं, ज़रूर फॉलो करना। एंड मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।